नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में। भारतीय भाषा परिषद के परिषद सभागार में लॉकडाउन के लंबे समय के बाद अनलॉक होने के बाद धीमे धीमे सामान्य परिस्थितियों की ओर लौट रही जिंदगी में पुनर्मिलन काव्य संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कवित्रियों कवियों में युवाओं, युवतियों, महिलाओं एवं वरिष्ठों को लेकर काव्य संध्या कार्यक्रम था, जहाँ पुनः सभी कवियों की मुलाकात इस मंच के जरिए होता है। सभी कवियों कवित्रियों सहित अतिथियों का सम्मान किया गया। काव्य संग्रह में कविता, गजल और गानों के जरिए प्रतिरोध एवं प्रतिवाद श्रोताओं को सुनने को मिला। सरकारों और नेताओं की समस्या एवं परिस्थितियों का उजागर किया गया। मजदूरों, सोशल मीडिया का प्रभाव, राजनीति समस्या, भारत, धरती प्रेम, गांव, कृतज्ञ, जंगल, समाज की वास्तविकता, उम्मीद, पुराने यादें, शेर, लॉकडाउन की परिस्थितियों, अपने कविता, गजल, शेर और गाने के माध्यम से कवियों कवित्रियों ने समृद्ध समाज, राजनीति के चित्रों का वास्तविकता प्रकट किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंभुनाथ, उपाध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा, मंत्री डॉक्टर केयूर मजूमदार, संयोजक प्रोफेसर संजय जायसवाल, उद्बोधन डॉक्टर कुसुम खेमानी, मुख्य अतिथि विनोद प्रकाश गुप्ता, शलभ, सम्मानीय कवि आशुतोष, मंजू श्रीवास्तव, प्रियंकर पालीवाल, सिराज खान बातिश, अभिज्ञात, उमा झुनझुनवाला, शुभरा उपाध्याय, राज्यवर्धन, सुशील कांति, आनंद गुप्ता, रचना सरन, पूनम सोनछात्रा, मनीषा गुप्ता, मधु सिंह, सूर्यदेव राय, राजेश सिंह सहित श्रोताओं की मौजूदगी कार्यक्रम को सफल बनाया है। क्योंकि इस कठिन समय में मैंने देखा है तो क्या अब नया इतिहास लिखा जा रहा। सदन जब गूंगी गहरी हो जाती है, सबको कराकर की लाओ से देखेंगे पागल भीड़ी बन जाती है। ऐसे में पहचान सुनाना प्रत्येक दो तीन से एक महीने जगह सुना रहा मोहब्बत थी, दूसरे में जाकर के देखें अति मोहब्बत। दो शब्द हैं कि गुर्बत के माने मोहब्बत ही मोहब्बत छापती है, तेरी मोहब्बत ही मोहब्बत छापती है, तेरी कुछ अंदाज से मिलता है उससे तेरे महीने में नमक छापती है। मुझे रातों में रोशनी अच्छी जमाने में मुझे यह बात की झील है अच्छी नहीं लगती, दिन मिल बैठेंगे फुर्सत में। और अभी उन्होंने कहा वो तो अपने ही एक कविता बना करुकबंदियां मुझसे होती नहीं है। एक कविता है, हम कहीं आग लगी है, कहीं कुछ उजड़ गया है, आग पर रख दी गई है, देखने की आंखें अबों से दूर, गांव घर काफी हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध जरूरी है, संघोषियां रहे हैं, वे हमारी लाशें गिन रहे। हम सब इतने सारे कवियों का यहाँ मिलना जुलना, लंबे समय के बाद इतने सारे काव्य प्रेमियों का भी यहाँ उपस्थित रहना, हम साहित्य पर भरोसा करते हैं, ये साबित होता है। भारतीय भाषा परिषद की तरफ से कुछ ना हो कृपया, बहुत समय हो गया है, मैं अपनी एक कविता जरूर सुनाऊंगा। एक दिन चर्चा करेंगे इस पर कि हम भूल गए, सोचते फिर रहे थे भूलने के नए नए रास्ते, हम भूल गए थे ट्रेन का सफर, मसलन यात्रियों के साथ बांटकर खाना, भूल गए थे परिषद का ये जो मंच है, ये मन धन्यवाद सदैव अगर करना है तो ये श्रोताओं का करना चाहिए, वो डिजिटल विराजमान सम्मानित जो कविगण है, जो सुजनशील भाई मंच हमेशा के लिए आप सदा का रहेगा। और आगे संध्या ये तो एक नाम है, लेकिन हमेशा अपने बीच एक लॉ की तरह रखना चाहता है, सबके हित का कार्य वही साहित्य है। नाम चाहे कविता हो, नाटक हो, कुछ की चाहता होनी चाहिए, एक लॉ सभी परिषद एक ऐसी, आनंद को मैं वर्षों से जानता हूँ, यहाँ पे आप भी बैठे हुए थे, आप करते हैं ससुर साथ चलने की, तभी समाज जब साहित्य हो हमारा तभी बढ़ता है ये, और हमें समृद्ध